नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्षों का रविवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता और मंडल अध्यक्षों का स्वागत किया गया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने नवनियुक्त अध्यक्षों का स्वागत करते हुए कहा कि हमें निष्ठापूर्वक पार्टी की रीतियों और नीतियों पर काम करते हुए पार्टी को मजबूत करना है, तभी हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने संबोधित करते हुए नवनियुक्त बीजेपी के महानगर एवं मंडल अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा कि आप ऐसा काम करें जिससे फिर 3 साल बाद आपको निर्विरोध रूप से चुना जाए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, मंडल भर के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, नवनियुक्त नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, यशस्वी लोकप्रिय उपाध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी, इस गोरखपुर क्षेत्र के नगर के विधायक आदरणीय राधा मोहन दास सीताराम जायसवाल जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदत्त जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे व्यापारी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने नीचे से ही कार्यकर्ताओं का सम्मान शुरू करती है। हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें निष्ठापूर्वक पार्टी के रीतियों और नीतियों पर काम करके पार्टी को मजबूत करना है, तभी हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। आज हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं नव निर्वाचित पदाधिकारियों से आग्रह करूँगा, राजेश जी से विशेषकर और मंडल के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ये हमारे शहर की एक पिलर के रूप में हैं। वो जैसा कार्य करेंगे पार्टी की उतनी ताकत मिलेगी। ऊर्जावान सहज सरल स्वभाव के स्वामी भाई राजेश गुप्ता जी, हम सब के लोकप्रिय और नौजवान अध्यक्ष भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भाई उपेंद्र शुक्ल जी, हाँ बिल्कुल, हम लोग का तो हक बनता ही। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो सब आप ही के इशारे पे होता था। मैं इस नव निर्वाचित महानगर अध्यक्ष और 6 मंडल अध्यक्षों को, जिनका अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष ने स्वागत सम्मान किया, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने भी किया, हम इस मंच से आप सबको हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 3 साल बाद जब दोबारा चुनाव हो तो यह सभा आपको पूरी लोकप्रियता के साथ, बिना किसी भी बात के साथ पुनर्निर्वाचित करके पुनः अपने बीच मिलाए। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव के, जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो लगभग संपन्न हो रही है। अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है और उसी के क्रम में नए नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम सभी जनपदों में हो रहा है। उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष और संबंधित मंडल अध्यक्षों का सम्मान समारोह यहाँ रखा है और उसी के क्रम में यहाँ पर उत्साह से लबरेज सभी कार्यकर्ता अपने अपने नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं।